हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो अपराजिता का प्लांट है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो अगर आपको अपराजिता के प्लांट में इस तरह से ठंड में भी अच्छी सी फ्लावरिंग लेनी है तो इसके जो सूखे हुए फलियां हैं या फिर सूखे हुए फूल हैं उसे हटाते रहेंगे तो जो प्लांट है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है विंटर में भी। मैं आपको अपने गार्डन का कुछ न्यू अरेंजमेंट जो है वो दिखाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि विंटर में हमारे गार्डन में धूप जो है बहुत ही कम लगती है। तो मैं अपने अधिकतर प्लांट को आप देख सकते हैं सामने ही रखती हूँ। उधर मेरे सारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए फ्रेंड, लेकिन उधर धूप जो है विंटर में बहुत ही कम आती है। तो इंडोर प्लांट तो चल जाते हैं क्योंकि एक आध घंटे की हल्की फुल्की धूप जो है उन्हें लग जाती है, लेकिन अभी जो विंटर के जितने भी प्लांट हैं सबको धूप जो है बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है। तो सर्दियाँ जो है अब स्टार्ट हो गई फ्रेंड, तो मैंने अपने विंटर के फ्लावर्स प्लांट के लिए कुछ न्यू अरेंजमेंट जो है वो किया है फ्रेंड। तो चलिए मैं वही आप लोग से शेयर करती हूँ। तो सामने आप देख सकते हैं फ्रेंड, इधर ही कुछ दो चार घंटे की धूप जो है इस साइड लगती है, तो इसी साइड में अपने फ्लावर्स प्लांट को भी रख देती हूँ जो कि विंटर फ्लावर्स प्लांट होते हैं और उन्हें धूप चाहिए होती है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो गार्डन था वो सामने इस तरह से था जो कि वेजिटेबल गार्डन सामने दिख रहा है आपको, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा और अपने गार्डन को बढ़ा दिया फ्रेंड। आप देख सकते हैं इस साइड के जो आप गमले देख रहे हैं या फिर स्टैंड देख रहे हैं, तो इस साइड मैंने अपने गार्डन को थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि इस साइड में धूप जो है वो थोड़ी लगती है। और यहीं पर मैं अपने सारे विंटर्स के फ्लावर प्लांट को रखूँगी फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने पूरी तरह से अरेंज नहीं किया है प्लांट को, कुछ प्लांट को मैं लाकर यहाँ पर एक नीचे रख दी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप जो है वो थोड़ी बहुत इन्हें लग जाती है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा धूप तो हम इन्हें नहीं दे सकते हैं। जितनी देर की धूप इन्हें चाहिए होगी उतनी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की धूप तो इन्हें मिल जाएगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना स्टैंड को रख दिया है जो कि अभी खाली है और इसे हमने पेंट किया है। तो ये पेंट हुआ है तो अभी सूखा नहीं है पूरी तरह से, तो जब सूख जाएगा तो इस पर मैं अपने गुलदावरी, गेंदा, कलांचो जो भी विंटर के प्लांट है उसे मैं रखूँगी फ्रेंड, और नीचे भी मैं अपने प्लांट को रखूँगी। अरेंज करने में टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है फ्रेंड, तो सारे गमले को मैं उधर से लाकर इधर रखा है मैंने। आप देख सकते हैं मेरे कलांचो के प्लांट में बहुत ही सुंदर से सभी कलांचो में बर्ड्स जो हैं वो अब बन रहे हैं फ्रेंड। और इधर जो आप स्टैंड देख रहे हैं तो इसे मैंने नहीं यहाँ पे रखा है, मैंने किसी की मदद से यहाँ पे इसे रखवाया है फ्रेंड, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी है तो इसे तो हम नहीं रख सकते हैं। और बाकी जो काम है गार्डन का वो मैं खुद ही कर लेती हूँ फ्रेंड। तो अब धीरे धीरे मैं अपने सारे गमलों को इस पर शिफ्ट कर दूँगी। कि मेरे जो मैरीगोल्ड मैंने कटिंग से लगाया था फ्रेंड, तो देखिए सभी में बहुत ही अच्छे से बर्ड्स आ गए हैं और देख सकते हैं इसके बर्ड्स जो है अब खुल रहे हैं। और ये देखिए ये भी मैरीगोल्ड का, इसमें भी बहुत सारे बर्ड्स जो हैं आए हुए हैं। तो सभी प्लांट को अब धूप जो है वो चाहिए होगी फ्रेंड। सारे मेरे गुलदावरी के प्लांट है जिसे मैंने कटिंग से ही लगाया है, और मेरे गुलदावरी के प्लांट में आप देख सकते हैं फ्रेंड कि बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। तो अब मैं सभी को धूप में जो है रख दूँगी। तो जो स्टैंड मैंने रखा है तो उसी पर मैं सभी प्लांट को अरेंज कर दूँगी। तो स्टैंड पर रखने से पहले फ्रेंड मैंने जितने भी मेरे गुलदावरी के प्लांट थे सभी को मैंने गोबर की खाद जो है वो दे दी है अच्छे से। चलिए अब मैं प्लांट को ले चलती हूँ एक एक करके। सभी गुलदावरी के प्लांट को मैंने एक जगह पर ले आया फ्रेंड, अब मैं इसे स्टैंड पर अच्छे से अरेंज कर दूंगी। और मुझे सभी डब्बों में पेंट भी करना है क्योंकि आप देख सकते हैं सभी डब्बे जो हैं बिल्कुल ख़राब हो गए हैं इस तरह से, तो पेंट भी बाद में भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इन्हें धूप में रख देती हूँ। देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने अपने स्टैंड को अरेंज कर दिया फ्रेंड। तो सारे गुलदावरी के प्लांट और कुछ मैरीगोल्ड के भी प्लांट हैं तो सभी को मैंने इस पर रख दिया है, देख सकते हैं। अब इन्हें यहाँ पे दो चार घंटे की धूप जो है मेरे प्लांट को यहाँ पे लगती रहेगी फ्रेंड। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने गार्डन को विंटर के लिए कुछ इस तरह से अरेंज किया फ्रेंड। और अभी भी कुछ कुछ प्लांट जो है मैं यहाँ पर रखूँगी क्योंकि आप देख सकते हैं इधर पर धूप आती है, तो कुछ और भी प्लांट हैं मेरे जो कि छाया में पड़े हुए हैं तो उसे मैं उठाकर यहीं पर लाकर रख दूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने अपने गुलाब के पौधे रखे हैं फ्रेंड, और ये देखिए ये कटिंग से लगा कलांचो है, तो कलांचो को भी अभी विंटर में धूप चाहिए। हमने जो अपना न्यू अरेंजमेंट किया था फ्रेंड विंटर के फ्लावर्स प्लांट के लिए, तो यहाँ पर स्टैंड रखा था, स्टैंड पर सारे गुलदावरी के प्लांट रखे थे, आप लोग से मैंने दिखाया भी था। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये दूसरे दिन का है, तो दूसरे दिन भी मैंने थोड़े से प्लांट्स जो हैं अपने यहाँ पर ला के रखे हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। और भी प्लांट मैंने विंटर के कलांचो है, ये यूकोरविया मिली है,
जो कि बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, और इन्हें अब धूप चाहिए। और ये देखिए, ये मेरे हिबिस्कस हैं हाइब्रिड वाले, जो कि अब इसमें बड्स जो हैं बन रहे हैं फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने बोगनविला के प्लांट को भी इधर ही ला के रख दिया है फ्रेंड, क्योंकि इसे भी धूप चाहिए है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सा गुड़हल जो है खिला है फिर से यार। ये देखिए, ये पंचमुखी गुड़हल है, और ये वाले में देसी, ये देख सकते हैं इस तरह से खिला हुआ है। ये देख सकते हैं कि इधर मैंने एक लाइन बना दी है अपने प्लांट्स की, और उधर सारे स्टैंड पे रख दिए, और अभी भी जगह खाली है। तो धीरे धीरे मैं अभी और भी प्लांट जो है यहाँ पे लाकर रखूँगी फ्रेंड। एक बार में सभी काम जो है पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें अकेले ही करना पड़ता है गार्डन का और घर का काम, तो धीरे धीरे ही हो पाता है फ्रेंड्स। देखिए, आज तो ये मैरीगोल्ड में फ्लावर्स भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, ये जाफरी वाला है छोटा छोटा, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और येलो वाले हैं, ये भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं आपकी धूप मिलने से प्लांट्स भी कितने खुश हो जाते हैं और फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरे आज का शेयरिंग और मेरे गार्डन का न्यू अरेंजमेंट? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।